आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। सुपारी शब्द आपने जरूर सुना होगा। सुपारी कभी इसकी अंग्रेजी की कल्पना भी की है? खाने वाली सुपारी नहीं, जो रकम हत्या के बदले में मिलती है हत्याए को, सुपारी कहलाती है। ब्लड मनी कहलाती है ये, ब्लड मनी सुपारी, हत्या के बदले मिलने वाली रकम। द मर्डरर गॉट ब्लड मनी, हत्यारे को सुपारी की रकम मिल गई। अब देखें अगला, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं अब भी सीख रहा हूं, आप सबको भी सीखना चाहिए, मरने तक सीखना चाहिए। वन इज नेवर टू ओल्ड टू लर्न, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये इसकी अंग्रेजी है। द रेस इज टू द स्विफ्ट, फुर्तीले लोगों का ही जमाना है, फुर्तीले लोगों का, वे ही सफल होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, फुर्तीले होते हैं। अब देखें चौथा, ए बर्डन ऑफ वंस ओन चॉइस इज नॉट फेल्ट, यदि हम कोई काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, चाहे वो फिल्म देखने जा रहे हैं, चाहे वो टीवी देख रहे हैं, तो कोई भी काम जब अपनी मर्जी से करते हैं, अपना कोई काम करते हैं, तो हमें उसका बोझ कभी भी नहीं लगता, कभी भी महसूस नहीं होता, वो बोझ महसूस नहीं होता। अपना काम कभी बोझ नहीं लगता, अपनी मर्जी से किया गया काम कभी बोझ नहीं लगता। ए बर्डन ऑफ वंस ओन चॉइस इज नॉट फेल्ट, ये इसकी अंग्रेजी हुई। हैज नो लेग टू स्टैंड ऑन, ठहरना, यानी कोई केस हो, कोई मामला हो तुम्हारा, तो ठहरेगा ही नहीं, इसकी हिंदी होती है। हैज नो लेग टू स्टैंड अपॉन, योर केस हैज नो लेग टू स्टैंड अपॉन, तुम्हारे केस में दम ही ना, तुम्हारे केस में दम नहीं है, दम ना होना यानी ठहरेगा ही नहीं वो केस, वो मामला तुम्हारा ठहरेगा ही नहीं, झूठा है ना। नॉट टू बी इन वंस राइट माइंड, दिमाग ठीक ना होना, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम ना कर रहा है। यू आर नॉट इन योर राइट माइंड, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम ना कर रहा है। ये उस समय बोला जाता है जब कोई आदमी उलझन में होता है, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, कोई कह रहा है सुन ही ना रहा है, कुछ और सोच रहा है, तो आप कहेंगे आर यू, यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। डज नॉट मिस ए ट्रिक, अति सावधान होना, कुछ लोग अति सावधान होते, चौकन्ने होते, शब्द आगत चौकन्ने। देखें डज नॉट मिस ए ट्रिक, माई ब्रदर डज नॉट मिस ए ट्रिक, मेरा भाई बहुत सावधान है, मेरा दोस्त बहुत सावधान है, मेरी बहन बहुत सावधान है, किसी के लिए भी कह सकते हैं। ही इज नॉट टू बी स्नीज्ड एट, अरे भाई इतना बढ़िया कैंडिडेट है, ये रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। या कोई लड़की को देखने गए तो, या लड़के को देखने गए, भाई लड़का बहुत अच्छा है, इसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी आएगी ही इज नॉट टू बी स्नीज्ड एट, स्नीज माने होता है छींकना। द ब्राइड गर्ल कह सकते हैं, क्योंकि शादी तो हुई नहीं है। द गर्ल इज नॉट टू बी स्नीज्ड एट, अरे भाई ये लड़की तो छोड़ने लायक ना है, अर्थात अस्वीकार करने योग्य नहीं है, शादी के योग्य है, इसे शादी कर। ऐसी ब्राइड की जगह यानी गर्ल की जगह बॉय भी कह सकते हैं। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, अर्थात एक सफलता अगर मिल जाए इंसान को तो और भी सफलताएं उसको मिलती ही रहती है। देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अब देखें अगली, या तो अभी, या तो अभी या कभी नहीं, या तो अभी करो या कभी नहीं करो, जब हमें ये कहना होता है तब हम ये कहेंगे नाउ और नेवर, या तो अभी या कभी नहीं, या तो अभी करो इसे या तो कभी नहीं। द वाइफ नर्स्ड हर हस्बैंड बैक टू हेल्थ, टू नर्स समवन बैक टू हेल्थ, अर्थात किसी व्यक्ति की तब तक सेवा करना जब तक कि वो ठीक या स्वस्थ ना हो जाए। द वाइफ नर्स्ड हर हस्बैंड बैक टू हेल्थ,
पत्नी ने पति की सेवा उसके स्वस्थ होने तक की। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।